नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह परिहार। आज आपको बहुत ही सुंदर मकान और विला बोल सकते हैं आपसे आपको इंट्रोड्यूस कराने लेके आया हूँ, जो कि गार्डन से लगा हुआ है। गार्डन से मात्र तीसरा मकान ही अपना है और कॉलोनी भी आप आस पास देखिए, बहुत ही वेल डेवलप और बहुत ही बढ़िया सोसाइटी रहने वाली है। सड़क भी आप देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पर। और आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं वो भी बहुत शानदार है। इसका एलिवेशन देखिए आप, शानदार था, सिंपल सोबल सा एलिवेशन है, ना कोई ज़्यादा तड़का भड़का कुछ भी, इसे कुछ चीज़ लगा नहीं रखी है, शानदार सा एलिवेशन है। और गार्डन से अपना मात्र तीसरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको पार्किंग स्लॉप ला के दे रखा है पूरा पूरा। इस प्रॉपर्टी को अगर रात में देखेंगे आप तो और शानदार लुक आएगा, क्योंकि एलिवेशन लाइट वगैरह, प्रोफाइल लाइट वगैरह पूरे मकान में लगी हुई है, जो कि रात में इस मकान को एकदम बंगले वाली फीलिंग लेके आएगी। यहाँ हो गया आपका दोनों तरफ ओपन होने वाला 5 फीट का लोहे का गेट, शानदार। और इस तरफ हो गई अपनी पार्किंग स्पेस, जहाँ पर आप अपनी टू व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो पीवीसी फॉल सीलिंग आपको देखने को मिलेगी प्रोफाइल लाइट के साथ में। इस तरफ भी आपको छोटे छोटे 4 लैंप ला के दे रखे, जो कि रात में इनका काफ़ी सुंदर उजाला आने वाला है। और यहाँ पर भी जो अपने हॉल से कनेक्टेड विंडो है वो भी वाइट, जो कि एलिवेशन को काफ़ी सुंदर लुक दे रही है। पूरे ही घर में आपको जो चौखट देखने को मिलेगी वो प्लाई की बनी हुई है, और साइड पर ही पूरे इसका गेट वगैरह, चौखट वगैरह का पूरा निर्माण हुआ है। गेट वगैरह भी आप देखेंगे तो शानदार है, लॉक वगैरह भी बहुत शानदार है, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको चीज़ मिलने वाली है। आइए, इस तरफ आप देख सकते हैं ये अपना शानदार हो गया लिविंग रूम। लिविंग रूम में भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग आपको करके दे रखी है, डिज़ाइन भी बहुत शानदार है और प्रोफाइल लाइट के साथ में है। इस वॉल को एक हाइलाइटर वॉलपेपर लगेगा, इसका थोड़ा सा फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है दोस्तों, काम ख़त्म होने ही वाला है लगभग लगभग। इस तरह आप देख सकते हैं अपने लिविंग रूम से कनेक्टेड विंडो है 3 टेक, इसमें लोहे की मजबूत बार है, और पूरी चौखट जो आप देख सकते हैं पूरी ग्रेनाइट की लगी हुई है। एसी की लाइन वगैरह आपको पूरे ही घर में देखने को मिलेगी। इस तरफ आपकी टीवी यूनिट है, इसमें अभी सनमाइका लगना भी बाकी है, थोड़ा सा काम इसमें चल रहा है अभी फिनिशिंग का। इस तरफ आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो अपने किचन की पार्टीशन वॉल है उसको भी बढ़िया डेकोरेट कर रखा है, लेजर कटिंग के साथ में ये लगी हुई है पूरी। यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी प्रोफाइल लाइट ला के दे रखी है, ताकि घर में पूरा रोशनी बने रहे, उजाला बना रहे। ये हो गया अपना शानदार सा किचन, जहाँ पर आप गरम गरम खाना सर्व करेंगे, बनाएंगे। और इधर अपना डाइनिंग रूम हो गया, यहाँ पर आप अपनी 6 सीटिंग डाइनिंग लगा सकते हैं। स्टोरेज भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर स्टोरेज देखने को मिलेगा आपको। स्टोरेज की दिक्कत पूरे किचन में आपको आने नहीं वाली है। 2 फीट हाइट तक की यहाँ पर आपको टाइल्स ला के दे रखी है, ताकि किसी भी चीज़ के दाग धब्बे यहाँ पर पड़े नहीं। गर्म ठंडे के नर्मदा के आपको पूरे पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर, और पूरे ही जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वो पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। इस तरफ आप आपकी डाइनिंग रख सकते हैं, चढ़ाव के स्पेस के नीचे आपको स्टोरेज देखने को मिल रहा है। आइए और आगे आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी आपको प्लाई की बढ़िया सुंदर चौखट बना के दे रखी है, जो कि घर में अच्छा लुक देती है। ये हो गया अपना वॉश एरिया, यहाँ पर भी आपको 3.5 फीट तक की टाइल्स ला के दे रखी है, नल वगैरह हर चीज़ लागे दे, वॉशिंग मशीन आप रखना चाहें रख सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो पूरा OTS दिखेगा आपको, घर में सफोकेशन वगैरह की कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके से आने नहीं वाली है। इस बेडरूम से अटैच वॉशरूम भी है, और कॉमन वॉशरूम भी आप बोल सकते हैं। इसकी पूरी चौखट जो आप देख रहे हैं ग्रेनाइट की बनी हुई है, ताकि कुछ सड़ने गलने खुलने का कोई भी आपको दिक्कत कभी भी आने नहीं वाली फ्यूचर में भी। आप वॉशरूम देख सकते हैं पूरी 7 फीट हाइट तक की यहाँ पर टाइल्स ला के दे रखी है, और वॉशरूम के ऊपर आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। आइए, ये हो गया अपना शानदार सा फर्स्ट बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही है अपने। यहाँ पर आपको एक सुंदर सा टेक्सचर करके दे रखा है, जो कि अपने वॉल को डार्क करके दे रखा है, पूरी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल रही है। AC की लाइन पूरे ही घर में आपको छोड़ के रखी है,
और इस बेडरूम में सफोकेशन ना हो इसलिए OTS के साथ कनेक्टेड आपको 3-tech विंडो देखने को मिलेगी। और हर बेडरूम में आपको लॉक सिस्टम, लॉक की फैसिलिटी मिलेगी। जिस बेडरूम का आप लॉक करना चाहें उसको लॉक भी कर सकते हैं। और पूरी हर बेडरूम में आपको चौखट वगैरह सब प्लाई की देखने को मिलेगी। घर में जो काम हुआ है बहुत ही क्वालिटी से हुआ है और बहुत फिनिशिंग से हुआ है। इसको एक बार आप विजिट जरूर करिएगा। बिजलपुर से बहुत ही नज़दीक ये कॉलोनी है और बहुत बढ़िया कॉलोनी है। पूरे ही घर में आपको 2x4 की टाइल्स देखने को मिलेगी। जो भी वायरिंग है सब कंपनी की लगी हुई है। यहाँ पर आपको स्ट्रेस पे आपको देख सकते हैं पूरा ग्रेनाइट यूज करा है और स्टील की ही रेलिंग लगी हुई है। प्रोफाइल लाइट भी ला के दे रखी है जो कि वार्म कलर में है। रात में आपको उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गई अपनी लॉबी स्पेस। यहाँ पर आप अपने सोफे वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। मंदिर के लिए प्लानिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हैं इस स्पेस को। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी, एक दीवार डार्क देखने को मिलेगी और बढ़िया यहाँ पर आपको 6-6 तरफ उजाला देने वाली प्रोफाइल लाइट आपको ला कर दे रखी है। ये हो गया अपना थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम से अटैच आपको वॉशरूम देखने को मिलेगी। इसमें 8 फीट हाइट तक के यहाँ पर आपको टाइल्स देखने को मिलेगी। वॉशरूम में फिटिंग आप जो भी देखेंगे सब प्लम्बर कंपनी की है जो कि फर्स्ट क्वालिटी की है एकदम। कभी भी आपको 5-10 साल वॉशरूम के कोई नल वगैरह में कोई शिकायत कभी भी आपको आने नहीं। थर्ड बेडरूम में भी आप देखेंगे तो आपको पूरी प्रोफाइल लाइट के साथ में फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी। AC की लाइट भी आपको छोड़ के दे रखी है और एक सुंदर सा बढ़िया पेंट के द्वारा इस दीवार को डार्क कर रखा है। OTS के साथ अपना कनेक्टेड रहने वाला है 3-tech विंडो ताकि इस बेडरूम में आपको कोई सफोकेशन की कोई दिक्कत रहे ना। आइए दोस्तों आपको आगे ले चलता हूँ प्रॉपर्टी में। ये हो गया अपना थर्ड बेडरूम जो कि अटैच वॉशरूम और अटैच बालकनी के साथ में है। इसमें भी आपको एक दीवार डार्क देखने को मिलेगी जो कि शानदार थीम के साथ ही इस पूरे घर को डेकोरेट कर रखा है। ऊपर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी बहुत ही बढ़िया सिंपल सोबर। AC की लाइन वगैरह हर चीज़ छोड़ रखी है और आप वॉशरूम भी देख सकते हैं। वॉशरूम की साइज भी काफ़ी है। 8 फीट हाइट तक की आपको यहाँ पर टाइल्स देखने को मिलेगी। प्लम्बर की पूरी फिटिंग है यहाँ पर। अब इससे ही कनेक्टेड अपनी बालकनी है। बालकनी में भी साइज काफ़ी है, 3-4 जने आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं PVC सीट लगी हुई है प्रोफाइल लाइट के साथ में। और आप कॉलोनी का लुक देखिए, बहुत ही बढ़िया हरियाली वातावरण में पूरा लुक है कॉलोनी का और वेल डेवलप सोसाइटी है बहुत। मैं आपको इसकी टेरेस भी दिखा देता हूँ। टावर की स्टेज पे भी आपको ग्रेनाइट मिल रहा है, प्रोफाइल लाइट मिल रही है। ये हो गया अपना टावर। इसको आप छोटा स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। सामान वगैरह आप रखना चाहें रख सकते हैं। आधी टेरेस उस तरफ है और आधी टेरेस इस तरफ है। टेरेस पे भी आपको पूरी वाटर प्रूफिंग करके दे रखी है ताकि सीलांग वेलांग की कोई आपको दिक्कत कभी आए नहीं। दोस्तों देख सकते हैं आप पूरी प्रॉपर्टी मैंने आपको पूरी विजिट करा दी है। पूरी प्रॉपर्टी मैंने आपको विजिट करा दी दोस्तों। अगर आप इसको विजिट प्लान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पे हमारे नंबर रहते हैं, कॉल करके आप आ सकते हैं। हर वीडियो के आखिरी में हम इसकी प्राइस आपको हमेशा बताते हैं और अगर वीडियो के आखिरी में हम प्राइस नहीं बता पाएंगे तो भी डिस्क्रिप्शन पे हर वीडियो में प्राइस डली रहती है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राइस वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। इसको विजिट प्लान आप जरूर करिए, आपके बजट में है। 15x50 की इसकी साइज है। लोकेशन है बिजलपुर से बहुत ही नज़दीक। AB रोड से मात्र 500-700 मीटर की दूरी पर ये प्रॉपर्टी आने वाली है। कीमत की बात करें तो 78 लाख रुपए में आप इसको अपना कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री श्याम।